से पुरुष ने हमारे देश के लिए अपना लघु बहा, अपना बलिदान दिया। ऐसे में वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर आज बहुत ही सुंदर पूरे दादरा में इतना सुंदर आयोजन किया गया है। बस यही हमारा सनातन धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाए रखे। बस यही दादरावासियों से, सहवासवासियों से, गुजरातवासियों का निवेदन कि सनातन धर्म को ऐसे ही आगे बढ़ाए और हमेशा मैं भजन गाई बासा विष्णु हिंदू संस्कृति को, हिंदू सनातन धर्म को लेकर हमेशा मैं आप सभी लोगों के साथ। शुद्ध चरण जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से अपने कमान संभाले हुए हैं, हालांकि अभी कुछ युवा हैं जो गलत रस्ते पर जा रहे हैं, बहुत ही सारे मेरे कार्यक्रम में मैं सारे युवाओं में ही मैसेज देती हूँ कि हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहें और जितने भी युवा हैं बस अपनी जागरूकता रखें और देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का योगदान। जब भी देश में ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं तो बस मैं ये कहूँगी इस मामले को सच्चाई तक जाकर हर कलाकार को, हर नागरिक को, हर इंसान को अपने देश के प्रति एक सही फैसला और अच्छा सोचना चाहिए, ना कि कुछ कहे सोचे बिना, देखे बिना कुछ गलत कमेंट्स से देनी चाहिए। इसलिए मैं भी इस मामले को ज़्यादातर यही कहूँगी, अगर देश के हित में कुछ अच्छा हो रहा है, भजन कुछ अच्छा कर रहे, जितने भी संगठन, जितने भी सेवा संगठन, अगर देश के हित में कुछ करें तो हम सभी लोगों को समर्थन जरूर करें। यहाँ पर अखबार नहीं आए, मैं यही कहूँगी मेरे देश के लिए, मैंने पहले ही कहा हिंदुस्तान में भगवान का प्रचलन फैला रहा है तो दिलों में सबके राम हैं, हनुमान जी हैं। बस यही देने के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम बस यही सबको मैसेज देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। इस तरीके से अग्रवाल जी यहाँ पर आशा वैष्णव जी का आगमन हुआ है और जो आपके द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया, तमाम लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके दर्शन करना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ राजस्थान सेवा संगठन की तरफ से हमें हिंदुत्व का जोर से उसका स्वागत करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। आज हमारे देशवासी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो मेरा संपूर्ण देशवासियों से, हिंदू भाइयों से, सनातन प्रेमियों से सबसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को, अपने देश का कल्चर को उसको निभाए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को। हमारा प्रोग्राम करने का उद्देश्य भी है अपना धर्म, अपना सनातन धर्म का प्रकाश और अपनी आने वाली जनरेशन सनातन धर्म और अपने जो पुराने सूरवीर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज जैसे सबके बारे में जाने के, हमारे इतने बड़े बड़े सूरवीर हुए हैं जो अपने बच्चे आज काल्पनिक जो है काल्पनिक हीरो के पीछे भाग रहे हैं, उनको मालूम चले अपने देश में ऐसे रियल हीरो हुए और उनको बारे में जानने समझे, यही हमारा उद्देश्य है प्रोग्राम करने का। इसी के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम को आगे ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसे प्रोग्राम बढ़ता। आभार व्यक्त करता हूँ चौथी बार हमारे साथ में आशा जी आए हैं और कट्टर हिंदू वाली है हमारी आशा जी भी, जैसे हमारे यहाँ पर गोकथा भी चालू है। आज हमारे यहाँ कपिला दीदी भी बहुत जल्द पधारने वाली है, सौभाग्य प्राप्त है कि हमके ऐसा गायक जो आए हैं तो इनके माध्यम से जो लोगों को प्रेरित होगा हिंदुत्व के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और इनके माध्यम से जो संदेशा पूरे दादरा नगर हवेली में जाएगा वो सबसे सभी बच्चों को, माताओं को, बहनों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नतमस्तक में रखो इनकी वाणी, क्योंकि आगे अपना हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। और आशा जी का मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे राजस्थान सेवा संगठन के जो हमारे कर्ता धर्ता जो है सूर्य प्रकाश जी अग्रवाल, आपका भी मैं महाराष्ट्र जन सेवा संगठन के